पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में पत्रकारों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके साथ हरीश रावत ने राज्य सरकार के बजट 2019-20 के बारे में कहा कि यह बजट दिशाहीन बजट है और सरकार के इस बजट से राज्य का विकास अवरुद्ध होगा, लोगों की कठिनाइयां और बढ़ने वाला बजट है। इसके साथ ही उन्होंने स्टिंग प्रकरण की जांच की भी कराने की मांग की। वहाँ आप जो है फिल्म शूटिंग जो है आधी रहेगी थी, जिसमें इनके बाद खबर आई, उन्होंने तय किया नहीं ये शूटिंग पूरी कर ली जानी चाहिए, कर दी जाए, दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए तैयार नहीं। आई एम एज राष्ट्रवादी एज श्री नरेंद्र और आप भी वही उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना नरेंद्र मोदी है, मेरी बेटी भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन उन पर जो मुकदमा दायर हो पहले तो उन भाजपा के नेताओं पर मुकदमा दायर होना चाहिए जो उन बच्चों को धमकाने के लिए और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके घरों तक पहुंचे। पहले सतपाल महाराज जी उनके खिलाफ तो मुकदमा करवाएं ताकि देश के अंदर जो हमारी छवि पर आँच आई है वो आँच सुधर सके। उत्तराखंड में सब लोग सुरक्षित हैं, ये हमको संदेश देने की ज़रूरत है और इससे उत्तराखंड का संदेश गड़बड़ाया है। और मैं कश्मीरी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की जिन लोगों ने भी कोशिश की है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आइए सर, एक मिनट। पीडीबी गए, ये बिल्कुल गलत हुआ है, पीडीबी का ले जाना भी गलत था और यहाँ जिस तरीके से भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने उन बच्चों को टारगेट किया वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो हमारे नागरिक हैं, उनको यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है और यदि कहीं कोई उनके सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है तो हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें। पर्यटन मंत्री का कहना था पीडीपी नेताओं पर, इसमें क्या? देखिए ये बजट बिल्कुल दिशाहीन बजट है, इसमें कुछ मोदी हैं, कुछ दीनदयाल हैं, कुछ और हैं, मगर इसमें सिरे से उत्तराखंड और उत्तराखंडियत गायब है, उत्तराखंड का नौजवान गायब है। ये विकास विरोधी बजट है, इससे राज्य की विकास दर पीछे को आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की कठिनाइयां और बढ़ेंगी, ये निराश करने वाला बजट है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।